एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में हम बात करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की, जो मैंने प्रीवियस जो इससे पहले वाला क्वेश्चन ऑफ द डे नंबर 13 था उसमें आप लोगों को करने के लिए दिया था। कमेंट सेक्शन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर गलत हैं, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार स्टार्ट करते, ठीक है। क्वेश्चन है कि सोनू एंड मोनू ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट पी टू क्यू, यानी कि एक सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है। लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट पी एंड दिस इज अ पॉइंट क्यू। पी से ही सोनू स्टार्ट कर रहा है और पी से ही जो है मोनू स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। पी से ही सोनू ने शुरू करा और पी से ही मोनू ने शुरू करा। मोनू की स्पीड ज्यादा है, सोनू की स्पीड कम है। सोनू की स्पीड क्या है 6 km/h और मोनू की स्पीड क्या है 8 km/h। फाइन, तो ये सिचुएशन आपको पता लग चुकी है, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा। ऐसा नहीं है कि सोनू पहले शुरू कर रहा है या मोनू पहले शुरू कर रहा, दोनों ने सेम टाइम पे एग्जैक्ट सेम टाइम पे भागना शुरू करा। मोनू की स्पीड ज्यादा है तो मोनू क्यू भाई जल्दी पहुंच जाएगा। अब मोनू जब क्यू पहुंचा तो उसने वापसी मुड़ गया, मतलब पी की तरफ जो है वापसी भागना शुरू कर दिया। मतलब मोनू पी से क्यू तक गया, फिर क्यू से वापसी पी जो है चलने लगा, फिर किसी पॉइंट पे आर पॉइंट पे उसे मिलता है सोनू, ठीक है। सिचुएशन क्या है, ठीक है, सिचुएशन क्या है कि सोनू और मोनू ने सेम टाइम पे चलना शुरू करा, मोनू की स्पीड ज्यादा है तो ही विल टेक लीड। तो पी से वो क्यू तक पहुंचा, फिर क्यू से वापसी पी के लिए मुड़ गया। तो जब वापसी मुड़ जो है मुड़ के चलने लगा तो एक पॉइंट आया आर जहां पे वो दोनों मिले पहली बार, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होने में 3 घंटे का समय लगा है, मतलब 3 घंटे बाद मोनू सोनू से पहली बारी मिला है। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी आर, ठीक है। पी से आर तक का डिस्टेंस इजी है, ठीक है, ये कोई मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्वेश्चन आएगा हार्ड, हार्ड क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है कि पी से क्यू तक का डिस्टेंस बता दो या आर से क्यू तक का डिस्टेंस बता दो। ये दो क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके जो है एग्जाम में आ सकते हैं। पी से क्यू तक का डिस्टेंस पूछा जा सकता है या फिर आर से क्यू तक का डिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो यहां से जनरली इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। इक्वेशन बनाएंगे तो मतलब करीब करीब आप लोगों को 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। बट यहां पे जो लॉजिकली इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं हम, भाई दोनों सेम टाइम पे भागे हैं, दोनों सेम टाइम पे भागे हैं, दोनों ने मिला के जितना भी पी क्यू के बीच में डिस्टेंस था, भाई दोनों के मिला के बात मैं कर रहा हूं, दोनों ने मिला के जितना भी पी क्यू के बीच में डिस्टेंस था उससे ट्वाइस कवर करा है। भाई यहां से पी से आर ये गया, ठीक है, पी से आर ये गया है और मोनू पी से क्यू चला गया, क्यू से आर वापसी आ गया। मतलब इतना डिस्टेंस तो मोनू ने कवर करा है पी से क्यू और क्यू से आर, और बाकी का डिस्टेंस सोनू ने भी कवर करा है। मतलब ट्वाइस ऑफ द पी क्यू, यानी कि दोनों ने तीन घंटे में पी क्यू का ट्वाइस डिस्टेंस कवर कर दिया। भाई दोनों की मिला के स्पीड क्या है, तो यहां पे मैं दोनों की स्पीड मिला सकता हूं ना, बिकॉज दोनों ने मिला के तीन जो है 3 घंटे का समय लिया है। तो दोनों की स्पीड अगर मैं मिलाता हूं 6+8 क्या आ जाएगा 14 km/h, यानी कि 14 km/h की स्पीड से वो 3 घंटे तक भागे हैं। तो मतलब क्या हो गया जो है 42 km इन टोटल उन्होंने कवर करा। इन टोटल का मतलब क्या हो गया, पी क्यू का ट्वाइस डिस्टेंस 42 km है, तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या आ गया 21 km लगेगा। नाउ दिस इज द लॉजिकल, ठीक है, ये एक लॉजिकल सेंस थी जो मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते थे। और ये चीज ऐसी है भी, मतलब मैं इस क्वेश्चन में कहूंगा कि दिस इज अ प्योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट इज अ फॉर्मूला, मतलब क्वांट जो है वो फॉर्मूला लेस क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जहां पे आपको अपना दिमाग चलाना है, you have to apply your mind। तो ये सारा दिमाग का क्वेश्चन था। भाई यहां पे दोनों ने मिला के twice of PQ distance cover करा है, दोनों मिला के 3 घंटे तक भागे हैं, दोनों की मिला के speed क्या बनती है 14 km/h, तो दोनों ने मिला के 42 km चल गया, 42 km cover करा है जो कि PQ का twice है, तो PQ की value क्या आ गई 21 km। इस तरह से PR की निकाल सकते हैं, PR का निकाल सकते हैं, because P से R तक सोनू भागा है 6 km/h की स्पीड से 3 घंटे तक, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर। 21 किलोमीटर पीक्यू का डिस्टेंस था जिसमें से 18 पीआर का है, आरक्यू को मैं निकाल सकता हूं क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर। नाउ दिस इज द प्योर लॉजिकल क्वेश्चन गाइस, ठीक है, इसमें कोई मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज नहीं करा है, मैंने इसमें कुछ भी यूज नहीं करा है, इवन आई डिडंट यूज अ सिंगल फॉर्मूला, सारा लॉजिकल क्वेश्चन था। फाइन, तो कल के क्यूओडी के लिए वेट करना, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स अ लॉट गाइस।